मेरे हिसाब से अब चांसेस ज्यादा हैं। मतलब प्रो भाई मैं इस गेम में। 12 seconds later. मैं अपने आप को मार के देखता हूँ, मेरे को लग रहा है शायद इसमें ना एम्प्टी होने के चांसेस ज्यादा हैं। भाई अबे यार। सो हेलो गाइस, क्या हाल है सभी के। एंड आज हम खेलने जा रहे हैं एक ऐसी गेम जिसमें हमें एआई के अगेंस्ट लड़ना है। एंड अगर हम गेम नहीं जीते तो हम मर जाएंगे गेम के अंदर, क्योंकि इसमें हमारे पास एक गन होती है एंड उसके अंदर कुछ गोलियां होती हैं। एंड हमें चूज करना होता है कि वो हम अपने आप को मारे या एआई को मारे। एंड फिर वो एआई की बारी आती है, वो भी चूज कर सकता है वो हमें मारेगा या अपने आप को मारेगा। बट हम दोनों को ही नहीं पता होता उसके अंदर गोली है या नहीं। ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि मैंने तो ऑफ कैमरा ही खेल के देख ली थी। एंड मेरे को उसके रूल्स ऑलरेडी पता है, तो मैं जब गेम खेलूंगा तो तुम्हें भी दिखा दूंगा और तुम्हें भी सिखा दूंगा। बट अभी हम चलते हैं गेम के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी खेलने के लिए इस गेम को। सो हम यहाँ से आ चुके हैं गेम के अंदर एंड गेम का नाम है बकशॉट रूलेट। एंड यहाँ से हमें अब आगे जाना है, शायद क्या मुझे पता ही है यहाँ से जाना है। एंड गाना सुनो भाई, वाइब भाई वाइब, गाने की भाई इतनी प्यारी वाइब। ओहो ओहो हो ओहो भाई, ये बंदा मस्त अपना सिगरेट फूंक रहा है। अबे तू भी नाच ले भाई। हम यहाँ से आगे चलते हैं जहाँ पे एआई बैठा है हमारा वेट कर रहा है। एंड गेम स्टार्ट करते हैं हमारी। ओ भाई देख रहे हो कितना क्रीपी है ये। प्लीज साइन द वेवर। हाँ हाँ, हमें ये डॉक्यूमेंट साइन करना है। हाँ, इसमें हमारी लाइफ के बारे में सब लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। पढ़नी तो हमें वैसे भी नहीं थी, हम सीधा साइन कर देते हैं। हाँ, मेरा नाम सिनर्जी है बट सिनर्जी फिट नहीं आता इसमें, तो मैं सिनर लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। यस, यहाँ पे साइन हो चुका है हमारा डॉक्यूमेंट। और ये हमारे पास 3 राउंड्स हैं एंड फर्स्ट राउंड यहाँ पे शुरू हो रहा है। एंड अभी हमारे पास 1 बुलेट है एंड 2 ब्लैंक्स है। 2 ब्लैंक्स मतलब एम्प्टी शॉट्स। एंड ये तीनों गोलियां इसके अंदर जाएंगी एक अननोन ऑर्डर में, ना वो हमें पता है ना इस एआई को पता है। एंड हमारी बारी है अभी, लाइक हम अभी इस गन को चूज कर सकते हैं। एंड हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम अपने आप को मार डालें या हम डीलर को मार डालें। लेकिन तुम सोचोगे हम अपने आप को क्यों ही मारेंगे, मतलब क्यों ही मारेंगे भाई। इसका एक ये रीजन है कि अगर हम अपने आप को मारेंगे तो डीलर की बारी स्किप हो जाएगी और ये गोली हम दोबारा चलाने का मौका मिलेगा। मतलब अगर इसमें हम ब्लैंक हुआ अभी, मतलब एम्प्टी गोली हुई तो वो हमने अपने ऊपर मारी बट हम मरेंगे नहीं, तो इस वजह से हमें एक और चांस मिलेगी। बट अगर उसमें गोली हुई तो वो हमें लग जाएगी और हमारी एक लाइफ कम हो जाएगी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को मार के देखता हूँ, मेरे को लग रहा है शायद इसमें ना एम्प्टी होने के चांसेस ज्यादा हैं। भाई अबे यार, पहली बारी में ही भाई 1 गोली बची थी, वो भी मैंने अपने आप को मार डाली। अब तो 2 ब्लैंक है, मतलब एआई को पता है उसमें 2 ब्लैंक है, तो ये अपने ऊपर ही यूज करेगा ऑब्वियसली। नहीं अबे अबे पागल है क्या तू। हाँ अबे इसमें ब्लैंक थे, इसने फिर भी मेरे ऊपर यूज किया। अबे खुद के ऊपर यूज कर लेता इससे अच्छा तो। हाँ इसमें तो ब्लैंक था, दिमाग थोड़ा कमी है इस एआई में। अब सेकंड राउंड, अब मजा आएगा भाई। इसमें 3 गोलियां हैं एंड 2 एम्प्टी हैं एंड अब ये लोड करेगा इसको। अब एक काम करते हैं, गोलियां ज्यादा हैं एंड एम्प्टी कम है, और डीलर को मारना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, इसको मारना पड़ेगा। यस भाई, मार डाला हमने एक बारी तो एंड इसकी एक लाइफ तो कम कर दी। ओ भाई देख रहे हो कितना क्रीपी लग रहा है लिटरली। अब इसकी बारी है भाई। अबे यार, इसको पता ही नहीं था इसमें ब्लैंक है और इसने हमें मार दिया, मतलब ये नहीं मार पाया हमें। मैं इसको दोबारा मारूं या अपने आप को मारूं। मेरे हिसाब से अब 2 बुलेट्स बची हैं एंड शायद से 2 ही ब्लैंक बचे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को मार के देखता हूँ, थोड़ा बहुत रिस्क तो बनता है। ओ भाई साहब, उसमें नहीं थी गोली। अब तो भाई डीलर को मारना बनता है, मेरे हिसाब से अब चांसेस ज़्यादा हैं। भाई साहब, इस राउंड की इसकी लास्ट हेल्थ की हमने उड़ा दी यहाँ पर। अब गाने बजाओ ना तेज भाई, सिनर विंस, लेट्स गो भाई, अब बजाओ गाने। फर्स्ट राउंड भाई इतने प्यारे तरीके से हमने इतना पार किया है, मतलब प्रो हूँ भाई मैं इस गेम में, मतलब मैंने खेल रखी है। एंड अब इंटरेस्टिंग होने वाली है गेम, क्योंकि ना अब हमारे पास 2-2 आइटम्स भी मिलेंगी। उन आइटम्स को ना हम सुपर पावर्स की तरह कह सकते हैं, लाइक कुछ ना कुछ हमें वो पावर्स देती हैं एंड वो हमें यूज़ कर सकते हैं। बट ये दिक्कत ये है कि वो एआई को भी मिलेगी और एआई के पास अपना भी दिमाग है ना, तो वो खुद भी यूज़ कर सकता है। ओ भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 गोलियाँ हैं, इसमें 1 गोली है और 1 एम्प्टी है, मतलब यहाँ 50-50% चांस है। अगर हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि इसके अंदर गोलियाँ या ब्लैंक है तो हमें पता चल ही जाएगा। यस
भाई इसके अंदर गोली है, मतलब अब तो हम मारेंगे ही मारेंगे डीलर को। भाई बेटा तेरी एक लाइफ जाने वाली है, पता है ना तेरे को। भाई साहब लेट्स गो, कितना प्रो हो भाई, मैं दिमाग लगा रहा हूँ लिटरली, इसको भाई हरा के रहेंगे हम। ये अपने आप को मार रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भाई एम्प्टी था, हमें पता ही था। अब हमें दो चीज़ें और लेनी है। चलो ये हथकड़ी है, ये हमारे बाद में काम आएगी। ये क्या है, जनरल रिलीज ऑफ लायबिलिटी गॉड। भाई ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट था। दो लाइव राउंड्स और दो ब्लैंक हैं, मतलब अभी भी 50-50% चांस है भाई साहब यहाँ पे। अगर हम ये कैन यूज़ करेंगे तो इसके अंदर से हम एक गोली निकाल सकते हैं, बट वो ब्लैंक भी हो सकती है और गोली भी हो सकती है। तो मैं काम करता हूँ, यही ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि अभी तो दो गोलियाँ और दो ब्लैंक्स हैं। ओ इसमें से ब्लैंक निकला, मतलब अब दो गोलियाँ और एक ब्लैंक है। अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं और मैं ये हथकड़ी यूज़ करूं, मतलब हमें दो चांसेस एक बारी में मिलेंगी, तो एक ना एक तो गोली ज़रूर होगी और एक ना एक गोली तो ज़रूर लगेगी इस एआई डीलर को। भाई यही करना पड़ेगा हमें, भाई दिमाग देख रहे हो मेरा, दोनों बार हम डीलर को मारेंगे 100%, एक ना एक तो लगेगा। ओ भाई साहब पहली बार में ही लग गया, एक लाइफ कम, एक बार और मारेंगे अभी इसको। भाई मुंह बना रहा है ये, बट इसको हम एक बार और मारेंगे क्योंकि इसको हथकड़ी लगी हुई है। एक और बार आ जा भाई, काश इसमें भी गोली हो। भाई साहब इसमें भी गोली थी, भाई इसकी सिर्फ एक लाइफ बची अब। ओ शिट, बट इसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। हाँ इसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास पड़ा है। ओहो इसमें तो ब्लैंक था, ये राउंड ख़त्म हो गया, इसको तो पता ही था इसमें ब्लैंक है क्योंकि सिर्फ ब्लैंक ही बचा था। एक काम करते हैं, दोबारा ले लेते हैं हम सुपर पावर्स। ओ भाई हमें मैग्नीफाइंग ग्लास मिला है और एक नाइफ मिला है और सिगरेट तो पहले से बड़ी थी। तीन राउंड्स एंड दो ब्लैंक, मतलब तीन गोलियां और दो एम्प्टी। चांसेस तो हैं कि इसमें ना यहाँ पर गोली हो सकती है। अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें गोली है या नहीं, और उसकी एक ही लाइफ बची है। ओ भाई साहब इसमें गोली है, मतलब हम डीलर को मार सकते हैं। भाई साहब ये लिटरली इसको हम भूत बना देंगे यहाँ पे। भाई दिमाग इतना ज़्यादा है, मैं इतना प्यारे तरीके से खेल रहा हूँ। भाई मार डाला हमने, ओ भाई कहाँ उठ गया ये, इसकी लास्ट हेल्थ जो थी चली गई। यस सेकंड राउंड भी जीत गए भाई हम लोग। अब थर्ड राउंड, फाइनल राउंड, लॉन्ग लास्ट वी अराइव एट द फाइनल शोडाउन, लेट्स गो। नो मोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर अब गोली लगी एंड अगर लास्ट लाइफ ख़त्म हो गई तो लिटरली ये राउंड ख़त्म हो जाएगा एंड पता चल जाएगा ये लाइफ एंड डेथ का राउंड जीता कौन है, एंड शायद हमें प्राइज मनी भी मिलता है, इतना मुझे नहीं पता। ओ भाई ये कौन कौन से टूल्स आ रहे हैं, भाई ये तो कोई एडवांस ही टूल्स हैं। बट अब हमारे सारे सुपर पावर्स चली गई हैं एंड दोबारा से हमें सुपर पावर्स कलेक्ट करनी है, और इस बार 4 आइटम्स ईच। एक काम करता हूँ, 4 आइटम उठा लेता हूँ, हथकड़ी, कैन, नाइफ और सिगरेट। सिगरेट से हम एक लाइफ बढ़ा सकते हैं अपनी, नाइफ से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो गन है ना वो 2 शूट करेगी। ओ एक गोली है और 2 ब्लैंक हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि एम्प्टी निकलेगा। इसमें अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं और सबसे पहले मैं अपना बियर यूज़ करूं और एक शेल निकाल दूं तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी 2 क्या हैं। ओ भाई इसमें तो निकल ही गया, मतलब गोली तो निकल ही गई, अब मैं दोनों अपने ऊपर मार सकता हूँ। यस हमें दोनों में पता है कि एम्प्टी है, एक और बार उठाएंगे इसे और एक और बार अपने ऊपर मारेंगे। यस ये राउंड तो ख़त्म हो गया, मतलब एक हमने सिर्फ कैन यूज़ किया और हमें पूरा राउंड के बारे में पता चल गया। देख रहे हो कितना दिमाग लगा रहा हूँ मैं अपना। एक काम करते हैं फिर से अपनी आइटम्स उठा लेते हैं। भाई जो दे रहे हो दे दो भाई, मेरे को नाइफ्स चाहिए थे और ओ भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 4 गोलियां हैं एंड 4 एम्प्टी हैं। हाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके देखते हैं, क्या पता इसके अंदर गोली हो। नहीं यार ये तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो मैं अपने ऊपर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक और बारी मिलेगी। यस एम्प्टी था। अब एक काम करते हैं दोबारा से यूज़ करके देखते हैं इसको।
यस, मैं इसी का वेट कर रहा था कि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर गोली है। मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें पता चल गया इसके अंदर गोली है। एंड अब बारी है नाइफ यूज करने की। एंड अगर हम नाइफ यूज करेंगे ना तो जो शॉटगन है 2 डैमेज डील करेगी 1 की जगह, मतलब शॉटगन जो है और पावरफुल हो जाएगी सिर्फ 1 राउंड के लिए। तो मे बी हम यही करते हैं। यस लेट्स गो। यस हो भाई साहब, हमने काट के और ज्यादा पावरफुल बना दिया शॉटगन। अब मारते हैं डीलर को। ओ भाई ये की बैंड बजा दी लिटरली, 2 लाइफ कम कर दी हमने। भाई दान देख रहे हो कैसे दिखा रहा है, और ये गन भी वापस आ गई। अब डीलर की बारी है। शिट। ओ भाई अबे मेरे को हथकड़ी क्यों बना रहा है भाई? अबे ये तो 2-3 चीज़ें एक साथ यूज़ कर रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास है, अब उसको ये भी पता है कि इसके अंदर कौन सी गोली है। हाँ भाई सिगरेट भी पी ले तू। एक काम कर, बिस्तर लगा और पिकनिक बना ले, सब यूज़ कर ले। कैन भी यूज़ कर लिया। ओ भाई इसमें से एम्प्टी बुलेट भी निकल आई, एक और एम्प्टी बुलेट भी निकल आई। इसने सब यूज़ कर लिया। पागल है क्या ये? इसने लिटरली एम्प्टी बुलेट को अपने ऊपर नहीं मारा, बल्कि गोली जो इसको पता नहीं थी वो अपने ऊपर मार दी, और मेरे को हथकड़ी भी पहना रखी है। अब ये दोबारा चेक कर रहा है। क्या कर रहा है भाई तू? क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी से? ओ शिट, मुझे लगता है इसको दिख गया इसमें गोली थी, क्योंकि इसने गोली काट दी, अभी हमें मारेगा। यस भाई साहब, 2 लाइफ कम कर दी एक ही बारी में। मे बी ये कोई बिग ब्रेन प्ले कर रहा था जो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था, इतना दिमाग लगा रहा था ना कि मेरे ही सिर के ऊपर से गया। बट चलो कोई नहीं, अभी हम बारी बारी है। मेरे हिसाब से इसमें 1 राउंड इसने अपने ऊपर मारा, 1 राउंड मैंने इसको मारा था, और इसमें शायद 4 राउंड थे। और शायद 1-2 राउंड निकले भी थे। यार मेरे को तो बिल्कुल नहीं याद क्या क्या हुआ था। पहले तो हम सिगरेट फूंकते हैं मस्त, अपनी हेल्थ वापस लेते हैं। हाँ भाई सिगरेट चला मस्त। हाँ सिगरेट से हेल्थ ही तो वापस आती है। हाँ रियल लाइफ में भी तो यही होता है, सिगरेट से हेल्थ वापस आती है। जैश यही तो, यही काम की तो होती है सिगरेट। एक काम करते हैं, बियर यूज़ करते हैं, इसमें से देखते हैं क्या निकल रहा है, फिर सोचेंगे हमें क्या करना है। ओए इसमें से तो एम्प्टी निकल आया, अब तो भाई हथकड़ी यूज़ करेंगे एंड सारी इसको मारेंगे गोलियां, जितनी भी हमारे को चांसेस मिल रहे हैं ना 2। अब दोनों बार डीलर को मारेंगे, एक ना एक तो लगेगी गोली। ओ भाई पहली बारी में ही गोली लग गई, फिर से हमारी बारी है। अब हमें आइटम्स लेनी है। रुको, ओ भाई नाइफ मिल गया, मेरे को चाहिए ही था नाइफ। बियर भी मिल गई और एक और नाइफ मिल गया भाई। अबे नाइफ दे रहे हो, कम से कम मैग्नीफाइंग ग्लास तो दे देते। 3 गोलियां और 2 एम्प्टी, मतलब गोलियों के चांसेस ज़्यादा हैं। हमें क्या करना चाहिए? मे बी हमें बियर यूज़ करनी चाहिए ताकि हम 1 निकाल लें और चांसेस बढ़ जाएं हमें कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर। ओ भाई साहब 3 गोलियां और 1 एम्प्टी, अब तो मेरे को पक्का रिस्क लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, नाइफ यूज़ करता हूँ ताकि हमारा डैमेज ज़्यादा हो, और अब मैं डीलर को मारूंगा। चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें गोली निकले, बट मेरा लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा, तभी इसमें एम्प्टी निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें 1 ही एम्प्टी बचा है। लेट्स गो भाई, इसकी 2 हेल्थ कम कर दी हमने। ओ भाई भाई ये लिटरली लास्ट हेल्थ पे बचा है अब। आर यू रेडी? किस चीज़ के लिए भाई? मैं तो रेडी हूँ हमेशा से। ओ भाई करंट, ये लिटरली लास्ट हेल्थ पे आ चुका है मेरे हिसाब से अपनी। अबे हथकड़ी पहना रहा है मेरे को। अबे इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है भाई। एम्प्टी निकाल दिया एक, सिगरेट फूक के मैं भी हेल्थ अपनी बढ़ाएगा ये। बढ़ा ले भाई बढ़ा ले, फूक ले फूक ले। सिगरेट से मरते थोड़ी हो, कैंसर वैंसर थोड़ी होता है, हेल्थ ही तो बढ़ती है। बड़ा बड़ा एक और गोली निकाल दी इसने। अबे अब शिट, मेरे हिसाब से इसमें गोली ही बची है। नहीं यार एक एम्प्टी भी बचा है। ओ भाई इसने एक ही बारी में 2 हेल्थ कम कर दी मेरी, बट हथकड़ी निकल गई हमारी। अब हमारी दोबारा से बारियां हैं सुपर पावर्स कलेक्ट करने की, आइटम्स कलेक्ट करने की। रुको जो जो मिल रहा लेते जाओ भाई। अबे यार 3-3 बियर की बोतलें रख दी हैं, कैन रख दी हैं। ओ भाई 4 गोलियां एंड 2 एम्प्टी, अब तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि गोलियां निकलेंगी। हाँ बट पहले हम सिगरेट फूंक लेते हैं मस्त, अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं।
हाँ, क्योंकि इससे तो बिल्कुल भी कैंसर नहीं होता, सिर्फ हेल्थ ही तो बढ़ती है। एक और यूज़ कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं अपनी हेल्थ। यस, फुल हो गई हमारी हेल्थ। अब इसमें 4 गोलियाँ हैं एंड 2 एम्प्टी हैं, और हमारे पास 3 कैन हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम सब यूज़ कर डालते हैं। हम भी तो देखें भाई AI को कैसे हम जीतने देंगे। यस, एक गोली निकली, अब एक और कैन यूज़ करेंगे हम सारे कैन यूज़ कर देंगे भाई इसी में। एम्प्टी निकल गया, एक एम्प्टी निकल गया, अब दोबारा करते हैं इसको यूज़। ओ शिट, एक और एम्प्टी निकल गया। अब एक काम करते हैं, एक और बुलेट निकली है, एक काम करते हैं अब नाइफ़ यूज़ करते हैं। अब नाइफ़ से लेके इसको मारते हैं। मेरी किस्मत बहुत ही बेकार हुई तो इसमें एम्प्टी आएगा, बट नहीं, मेरी किस्मत बढ़िया थी। शायद हमने डीलर को मार डाला है, ये लास्ट हेल्थ थी उसकी। यस, ओ भाई ये लाल आंखें क्या हैं? अबे ये क्या है, ऐसे होती है ये एंड गेम? भाई साहब ये क्या चीज़ है, कोई अटैची है? ओ भाई, हम गेम ऑफ डेथ जीत चुके हैं और हमें पैसे मिल चुके हैं, मतलब AI डीलर मर चुका है। भाई पैसे दो, मुझे पैसे दो, कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सारे डॉलर्स दे दो भाई मेरे को, अमीर बन जाऊँगा मैं। लेट्स गो भाई, हम लोग पैसे लेके गाड़ी में निकल गए यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशन सिनर, सिनर जी नाम है भाई मेरा, पूरा नाम भी नहीं लिखने देते। $65,000 मिले हैं मेरे को, मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ $65,000, बट चलो कोई नहीं, गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। इसमें एक हार्ड मोड भी है जिसको हम बाद में खेलेंगे कभी, कमेंट कर देना अगर तुम चाहते हो मैं खेलूं, बट तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।